वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आचार्य विक्रमादित्य हूँ मैं और आचार्य वाणी चैनल में आपका स्वागत है। ये हमारा चैनल आचार्य वाणी लगातार आपके साथ बना रहता है और बहुत सारे विषयों पर आपके समक्ष बहुत सारी वार्तालाप उपस्थित करता रहता है। देखिए मेष राशि वालों, पिछले करीब करीब 18 महीनों से राहु आपकी राशि में चल रहे हैं और अभी तो बृहस्पति भी आपकी राशि में आ गए हैं, लेकिन राहु ने जिस प्रकार से परेशान कर रखा था पिछले काफ़ी लंबे समय से, उसके कारण से हमें पता है कि किस प्रकार से क्या सी स्थिति बनी हुई होगी। बृहस्पति भी वहाँ आ गए और लोग उम्मीद करते हैं कि 12 साल बाद तो किस्मत जाग ही जाएगी। पुरानी कहावत याद होगी आपको कि 12 साल में तो कूड़ी के भाग्य भी जाग जाते हैं, तो वो बृहस्पति के कारण से ही कि बृहस्पति की प्रदक्षिणा जो होती है वो 12 साल की होती है, हर राशि में एक साल तक रुकते हैं, उसके बाद 12 साल बाद एक चक्र पूर्ण कर लेते हैं, तो ये स्थिति मानी गई। लेकिन आपकी मेष राशि में तो इस वक्त बृहस्पति भी चल रहे हैं और राहु ने वहाँ आकर बृहस्पति के फल को भी शून्य कर दिया है। जो स्थिति दिखाई दे रही है वो वास्तविक तौर पर बड़ी भयावह है। उम्मीद पके पके दिखाई दे रहा है फल, लेकिन वो पूर्ण नहीं हो पा रहा है। लेकिन चिंता ना करें, अब आ गए हैं वारे न्यारे होने के समय आ गया है, परिवर्तन का समय आ गया है। राहु जो 12/4/2022 को मेष राशि में प्रवेश किए थे, अब 30/10/2023 को आगे निकल जाएंगे और अपनी वक्र गति से चलते चलते मीन राशि में आ जाएंगे। लेकिन जो दिन बाकी हैं, देखिए एक पुरानी कहावत है, कही जाती है कि जो जितना परेशान करता है जाते जाते उतना सुख भी दे जाता है। और हम आपको वही बात बताने आए हैं कि मेष राशि वालों के लिए कैसे जो बचे हुए दिन राहु ने जो परेशान किया है इतने करीब करीब 17-18 महीनों से, अब वो कैसे आपके जीवन में सुख पदार्पण का योग बनाएगा, कैसे आने जो बचे हुए दिन हैं जब 30 अक्टूबर को राहु परिवर्तित होंगे वो मीन राशि में जाएंगे, उससे पहले पहले कौन से खास उपाय कर आप इस राहु जाते हुए राहु का सुख प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। बृहस्पति के साथ शुद्ध विद्यमान जो है गुरु चांडाल योग बनाकर राहु जो है, ये तो निश्चित है कि राहु के बदलने से आपके दिन फिर जाएंगे, कष्ट के दिन समाप्त हुए रे भैया, जान लो इस बात को, समझ लीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आप वास्तविक तौर पर कई सारे ऐसे उपाय कर सकते हो, इस बात को समझ लीजिए। भारतीय संस्कृति में एक चीज़ को निदान करने के साथ, जब कारण जानने के बाद निदान भी तो दिया गया है, उस निदान को समझ लीजिए क्या कुछ कर सकता है। पहले तो समझ लीजिए राहु कर क्या रहे थे यहाँ बैठे बैठे। राहु महाराज जिस प्रकार से हमारे आपकी मेष राशि की बात करें तो वहीं चल रहे थे। मेष लग्न भाव आपका विशेष तौर पे परसोना है, पूरे जीवन पे आच्छादित उसका प्रभाव होता है, तन भाव माना जाता है, कई प्रकार से पूरे पूरे आपके व्यक्तित्व के ऊपर समस्त चीज़ों पे, लग्न जो है ना वो समस्त चीज़ों से, केवल उसके ऊपर विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि तृतीय भाव द्वितीय भाव धन के बारे में विचार करते हैं, तीसरे भाव से भाई के बारे में मित्र के बारे में विचार करते हैं, इस प्रकार से 11वें भाव के बारे में लाभ के बारे में, सप्तम भाव से विशेष तौर पर दाम्पत्य जीवन के बारे में, व्यापार के बारे में, लेकिन लग्न से तो हर चीज़ के ऊपर विचार किया जा सकता है। तो मेष राशि वालों जिस प्रकार से आपकी राशि में राहु महाराज वहाँ चल रहे थे, बृहस्पति का पूर्ण फल नहीं दे पा रहे थे, वो सारा का सारा मेन राहु का कारण था। और राहु इतना ज़बरदस्त ग्रह माना जाता है हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली ज्योतिष के अंदर कहा जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रह है वो सूर्य और चंद्र हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से नित्यपति हमें दिखाई देते हैं। सूर्य जब आते हैं तो समस्त ग्रहों को विशेष तौर पर अस्त कर देते हैं, कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन राहु ऐसा है कि जब ग्रास करता है तो सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है। और वही मेष राशि के साथ हुआ कि राहु वहाँ पर चल रहे थे और उन्होंने समस्त ग्रहों को ग्रहण कर रखा था और पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है कि आप इसको आपने भी एनालाइज किया होगा। बहुत सारे लोग हमें जगह जगह समय समय में कमेंट करते रहते हैं कि मेष राशि वालों के लिए कुछ है ही नहीं, परेशानी चल रही है, किस प्रकार से क्या समस्या। समस्या राहु की थी, हमने कई बार उपाय भी बताने का प्रयास किया, लेकिन अब हमें ऐसा लगता है कि राहु के जाते जाते कई बार ऐसा देखा है कि उसके प्रभाव से वो कुछ ना कुछ दे के भी जाते हैं। जो ग्रह जितना दुख दे के जाता है जाते जाते, उतना ही कहीं ना कहीं उस कष्ट के निवारण का कोई ना कोई मार्ग भी प्रशस्त कर जाता है। देखिए राहु आपके लग्न भाव में चल रहे हैं और 30 तारीख को बदल जाएंगे। और समस्या एक और भी है कि बृहस्पति जी भी इस वक्त वक्री चल रहे हैं। बृहस्पति महाराज जो विशेष तौर पर 4 सितंबर से वक्री चल रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक वो वक्री चलने वाले हैं।
एक तो राहु महाराज वहाँ पर आपकी राशि में स्वयं विद्यमान, और दूसरा ये। तो ऐसे में एक उपाय हम आपको देने जा रहे हैं जिसके द्वारा बहुत सुंदर तरीके से आप इसके प्रभाव को शून्य कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक उपाय विशेष तौर पर नोट कर लीजिए, आपको विशेष तौर पर आपको इस वक्त ऐसा लग रहा होगा कि किस्मत भी हमें हेल्प नहीं कर रही है, मतलब सब जगह से उम्मीद जागती और किस्मत भी लास्ट मोमेंट पर जाके साथ छोड़ देती है, ये हमने अनुभव किया होगा। और मैंने मेष राशि वालों को बहुत सन्निकट से देखने का प्रयास किया, ये स्थिति पिछले 18 महीनों से चल रही है, अप्रैल 2023 से, की उम्मीद जागी, सब कुछ हुआ, और लेकिन फिर वो 3 दिन बाद फुस, ऐसी स्थिति बनी है। कारण क्या है? सिर्फ राहु का प्रभाव। बृहस्पति आए थे यहाँ पर तो एक उम्मीद जागी थी अप्रैल के बाद से, लेकिन उन्होंने भी जिस प्रकार से राहु के ग्रास में आने के कारण कुछ भी नहीं किया। तो ऐसे में कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं, वो विशेष तौर पे आप कर लाभ ले सकते हैं। सबसे पहला उपाय मेष राशि वालों के लिए, जो इस वक्त इन बचे हुए दिनों में आप कर राहु के प्रभाव को शून्य कर सकते हैं, ये तो निश्चित है कि 30 तारीख के बाद आप नित्य निश्चित मानिए कि परिवर्तन होगा और राहु का प्रभाव आपकी राशि से हटकर आगे चला जाएगा, और वो आपके लिए विशेष तौर पे अच्छा होगा। 12वें भाव में राहु खराब फल नहीं देता, अच्छा फल देता है। बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली में हमने देखा है और उनको तखत तक पहुंचा दिया, तो वो तो दिखाई दे रहा है। लेकिन अब बचे हुए दिनों में कुछ उपाय आप कर सकते हैं। विशेष तौर पर एक उपाय विशेष तौर पर हम आपको बता देते हैं, पिता की सेवा। सबसे पहला काम यहाँ जो राहु का प्रभाव है उसको शून्य करने के लिए पिता की सेवा जितनी हो सकती है उतनी आप यथा उचित भाव से करने का प्रयास करें। हो सके तो तांबे का दान, किसी मंदिर में जाके ताम्र के पत्रों को, जो पात्र होते हैं, जैसे पंचपात्र इत्यादि बोला जाता है, उन सब का दान कर सकते हैं। गेहूं का दान कर सकते हैं, हर रोज़ थोड़ा बहुत गेहूँ लेकर किसी न किसी गरीब आदमी को दान कर दीजिए। और यदि हो सके तो विशेष तौर पर गौशाला में जाकर कहीं लाल गाय मिल जाए या भैंस मिल जाए तो उसके निमित्त कुछ हरा चारा इत्यादि या दलिया, गेहूं का दलिया बनाकर उनको दान करने की सुंदर व्यवस्था आप करें तो बहुत अच्छे से इन दिनों में मदद प्राप्ति के योग बन सकते हैं। ये अनुभव के उपाय हैं, छोटे छोटे उपाय हैं। देखिए इस बात को समझ लीजिए, नित्य प्रति इन सब उपायों को कर आप अपनी परेशानी को दूर करने का योग बना सकते हैं। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को राहु बदलेगा और उसके बाद आपके ऊपर से जैसे भार कट जाता है ना, भार कटने के योग बनते हैं। ये उम्मीद नहीं दे रहा हूँ, प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष का प्रभाव बता रहे हैं। हमने इससे पहले भी 1.5 साल पहले जब अपने राशि के अनुसार से आपके अपने हमारे अपने चैनल पर हमने बहुत सारे वीडियो डाले थे कि राहु आ रहे हैं और परेशान करने के योग देंगे, अब राहु बदलने की तरफ जा रहे हैं, चिंता ना करें। और एक बात का ध्यान रखिएगा, एक पुरानी कहावत है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। जो उपाय है ये कर्म ही हैं, और इन सब कर्मों को कर आप सुंदर तरीके से इस भयावह स्थिति से कुछ ना कुछ निजात पाने के योग बना सकते हैं। राहु बदलने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ ना कुछ लाभ देने के योग बना पाएंगे। तो आशा करते हैं इस छोटे से उपाय को जो हमने आपको बताया है इसको करें, देखिए कल्याण का योग बनेगा, परेशानी कटेंगी। लेकिन इसके बाद भी जन्मपत्री में क्या कुछ ग्रह योग चल रहे हैं उसको बहुत अच्छे से शोध करने की आवश्यकता है। ये तो गोचर का प्रभाव है, लेकिन वास्तविक तौर पर कुछ ना कुछ और भी महादशा इत्यादि विभिन्न गोचर के प्रभाव भी चल रहे होंगे, उन सबको भी समझने की आवश्यकता है। लेकिन हमें ये निश्चित तौर पर ज्ञात है कि राहु परिवर्तन होने के बाद आपकी बहुत सारे समस्याओं को दूर करने में आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। बहुत जल्दी हम मीन राशि में राहु क्या प्रभाव करेंगे आपकी राशि के अनुसार से उस पर भी वीडियो डालने वाले हैं, उसको आप देख लीजिएगा। नवरात्रों पर हमने विवेकानंद योगाश्रम में बहुत विशाल यज्ञ का, भगवती का शिव विग्रह जो आश्रम पर प्रतिष्ठित है वो 1947 में मुल्तान से पधारा। कहा जाता है 400 साल से पुराना भगवती का शिव विग्रह है और जो बहुत शुभ रूप से भगवती का प्रतिष्ठित है। मुल्तान से कोई एक व्यक्ति लेकर आया मूर्ति संदूक में बंद कर और वो हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज को वो 1947 में लाकर, परिपत्र जब पार्टीशन हो रहा था विशेष तौर पर, तब जाकर उनको प्राप्त हुई और उनकी उन्हीं की प्रतिष्ठा हमारे आश्रम में की गई है। करीब करीब 400 साल पुराना भगवती का चमत्कारी शिव विग्रह है और उन्हीं के सानिध्य में ये विशाल माँ भगवती का यज्ञ जो किया जा रहा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ किया जा रहा है। उसमें सब लोग विशेष तौर पर दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का नित्य प्रति यज्ञ करते हैं और आप भी उस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित हो सकते हैं। जो कहते हैं ना कि माँ भगवती कृपा प्राप्त होती है नहीं होती पता ही नहीं चलता है, इस यज्ञ में जो बैठते हैं पिछले बहुत अनेक वर्षों से, करीब करीब यहाँ से आश्रम पे ही 70 आज़ादी के बाद से प्रतिष्ठित मूर्ति है और भगवती का ध्यान कर यज्ञ करने से समस्त प्रकार के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं, ऐसा हमने स्वयं हजारों लोगों पर देखा है। आप भी आइए, माँ भगवती का दर्शन करें, कल्याण के योग बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।